हाय एवरीवन, दिस इज फैंसी एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का वीडियो है अमेज़न हॉल पार्ट टू, जो लास्ट वीक में मैंने शेयर किए थे आप लोगों के साथ, वो था अमेज़न हॉल पार्ट वन। एज बिकॉज आई शेयर्ड विथ यू बिफोर दैट माय बेडरूम मेकओवर वीडियो, माय बालकनी मेकओवर वीडियो विल बी रिलीज सून, सो उसके लिए मुझे कुछ चीजें चाहिए था, कुछ होम डेकोर रिलेटेड कुछ एसेंशियल्स, तो इसलिए मैंने बहुत सारा चीजें मैंने ऑर्डर किए, तो वो एक पार्ट में नहीं हो सकता है क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने पार्ट वन मैंने ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिए। अगर आप लोगों को वो पसंद आता है तो आप लिंक में, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पे जाके आप डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। और आज का जो वीडियो है वो भी पूरा का पूरा अमेजन से है, ऑब्वियसली अमेजन से ही है, तो हर एक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। आप लोगों को अगर पसंद आता है तो लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग परचेस कर सकते हैं। और आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों के सामने मैं अनबॉक्सिंग नहीं करूंगी, मैं मतलब आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर नहीं करूंगी, उसके साथ साथ मैं उसका रिव्यू भी मैं दूंगी और उसका पैकेजिंग कैसे आया है और फिर प्रोडक्ट कैसा है, उसका फिनिशिंग कैसा है, तो हर एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग जब परचेस करें तो मतलब आज आपके मन में कुछ डाउट ना हो। तो चलिए लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो मेरा फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये, ऐसे पैकेजिंग में आया है, जहां तक मुझे लगता है कि अंदर बबल रैप किया हुआ है, एंड ड्यू टू माय बिजी स्केड्यूल मेरा ऑफिस के लिए मुझे मतलब कोई भी चीज मैंने अभी तक मैंने खोले नहीं है, चेक नहीं किए, तो आप लोगों के सामने ही मुझे अभी अनबॉक्सिंग करना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि इसमें टाइम बहुत लग जाता है लेकिन क्या कर सकते हैं, तो आप लोगों के सामने ही मुझे पैकेजिंग खोलना पड़ेगा। बहुत अच्छा पैकेजिंग आता है ये, देखिए बबल रैप किया हुआ है, लेकिन मैं आई डोंट हैव एनी आइडिया कि इसके अंदर क्या है क्योंकि बहुत सारा चीजें मैंने एक्चुअली ऑर्डर किए थे, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओ अच्छा, इसके अंदर देखिए ऐसे पैकेजिंग में ऐसे आया है, और इसके अंदर है आपका ऐसे आया है, और ये है आपका कैंडल, तो ये फ्लेवर्ड वाला कैंडल है, तो इसमें आपको 6 फ्लेवर आपको मिलता है। एक है आपका लैवेंडर, ये है आपका रोज वाला ऐसे है, तो देखते हैं इसका। वाओ, ऐसे पैकेजिंग में आया है और बहुत ही मतलब धीमी खुशबू है इसमें, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है आपका लैवेंडर, बहुत अच्छा खुशबू है। ये है आपका वाइट में ये क्या है लिखा हुआ है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये है पिंकिश टाइप का है, और ये सेम टू सेम मुझे लग रहा है ये नीम ऑयल टाइप का है, लेकिन ये ऑरेंज में क्यों आया है पता नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा नीम फ्लेवर है इसमें। तो जो कैंडल लाइट होल्डर जो होता है ये है देखिए योलो, और ये है आपका वो लेमन ग्रास जो होता है, लेमन ग्रास का जो खुशबू जो होता है वो वाला है ऐसे, और इसका खुशबू भी बहुत अच्छा है। तो ये जो कैंडल लाइट होल्डर जो होता है उसके अंदर आपको रखना पड़ेगा, तो ये बहुत देर तक चलेगा, और इसका प्राइस या जो भी है मैं यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट मैं दे दूंगी और लिंक पे जाके आप चेक कर लेना। तो मेरा जो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये, तो इसको भी खोल के देख लेते हैं। ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे अभी मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट का मतलब
एक होता है ना कि अंदर से मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट का वो आ रहा है, मतलब मैं बहुत से मैं चीजें मैं कर रही हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड, तो मुझे उसके लिए भी कुछ चाहिए था मेरा DIY के लिए, बॉटल आर्ट के लिए, तो इसलिए मैंने ये परचेज किए। तो इसके अंदर है एक स्टेंसिल है, ब्रिक स्टेंसिल है, इसके अंदर ऐसे पैकेजिंग में आया है। तो आप लोगों को एक सेकेंड मैं दिखाई देती हूँ आप लोगों को। पैकेजिंग अमेज़न का बहुत ही अच्छा आता है, ये पैकेट के अंदर पैकेट। ये ब्रिक्स टेंसिल है, ये देखिए ऐसा, तो मतलब आप जहां पे भी आप कलर करेंगे तो उसके ऊपर आपको रख के ऐसे डैप करके आपको वो कलर करना होगा। तो ये ऐसा है देखने में, तो इसका क्वालिटी ठीक ही है, मतलब ओके ओके नहीं, मतलब ठीक है। इस तो आप करने के बाद मुझे पता चलेगा कि मतलब ये ठीक है कि नहीं, अभी तो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि मतलब अभी देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये, ऐसे पैकेजिंग में आया है, और ये भी मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या है। वन सेकेंड, ओके, सो ये है एक किंग साइज बेडशीट, तो उसके साथ साथ दो पिलो कवर भी है, सॉरी फॉर द नॉइस। पहले पिलो कवर दिखा देते हैं, तो दो पिलो कवर रिसीव हुआ है मुझे, एक है ये, और देखिए कितना बड़ा है, मतलब कैमरा में कितना दिखाई दे रहा है पता नहीं, लेकिन बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे देखिए फ्रिल दिया हुआ है, और इसका जो कपड़े का जो क्वालिटी जो है वो भी बहुत अच्छा है। मैं एक्चुअली जितना भी मतलब सॉलिड कलर का जो बेडशीट जो आता है, तो मैंने एक एक करके मतलब 3-4 कलर मेरा कलेक्शन में आ चुका है। तो अभी मतलब इस महीने मैंने ये येलो वाला मैंने ऑर्डर किए, तो इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। और पीछे से ये देखिए ऐसा सिस्टम है, वो सिस्टम मुझे एक्चुअली पसंद नहीं आया, ये वाला मतलब इसके ऊपर ये रहेगा, ये सिस्टम मुझे पसंद नहीं आया। और पिलो कवर का मतलब साइज बहुत बहुत बड़ा है, मतलब देखना पड़ेगा कि मतलब मुझे ऑल्टर करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है कि ये नहीं होगा। सेम टू सेम ये दो पिलो कवर मुझे रिसीव हुआ है, और ये वाला जो बेडशीट जो है ये है आपका इस टाइप का, मतलब फुल कॉटन है, ये फुल कॉटन है, और ये इलास्टिक वाला है, ये देखिए। तो हम यहाँ पे इमेजेस हम डाल देंगे कि वो लगाने के बाद कैसे होगा। इलास्टिक वाला क्या होता है ना कि पूरा मतलब एकदम फिटेड रहता है, तो इधर उधर नहीं होता है, एकदम जगह पे रहता है, तो मेरे लिए बहुत मतलब एप्ट है। और इसका कपड़े का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है, कैमरा में कौन सा कलर दिखाई दे रहा है समझ में नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली प्योर ये येलो है, मतलब हाँ प्योर येलो ही है ये, तो कलर बहुत अच्छा है, फैब्रिक अच्छा है। तो और ये है आपका किंग साइज है, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, अब लगाने के बाद हम देखेंगे कि ये अच्छा है कि नहीं। तो चलिए मेरा जो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये वाला, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि इसके अंदर क्या है। ओके, ये मेरा मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड है,
मुझे एक्चुअली बहुत दिनों से मुझे दिक्कत हो रहा था बॉटल आर्ट में, तो इसलिए मैंने इसको परचेस किए। हालांकि मेरे पास एक्चुअली स्पॉन्ज था, लेकिन फिर भी इसमें बहुत इजी होता है। देखिए कितना छोटू सा है, ये सबसे छोटा वाला है, ये इसके ऊपर वाला है, और बहुत सारा दिए, मतलब दो सेट आया है। ओके, तो ये वाला देखिए मीडियम साइज है, और सबसे बड़ा है आपका ये दो, मतलब सीरियली अगर रखेंगे तो ऐसा है। और सेम चीज है आपका ये वाला, मतलब दो प्रोडक्ट इसमें आया है, बहुत रिजनेबल प्राइस है, और इसमें मतलब आपका आर्ट करना बहुत इजी होता है ऐसे करके। हालांकि मेरे पास स्पॉन्ज है, हम करते हैं, तो ये प्रोडक्ट अभी के लिए अच्छा है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको धोने के बाद ये उठ जाएगा कि नहीं, ये वाला पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे गम लगा हुआ है वो दिखाई दे रहा है। अब ये वाला उठ जाएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, तो आगे हम इसका रिव्यू दे देंगे, लेकिन अभी के लिए प्रोडक्ट ठीक ठाक है। मेरा जो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो भी मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन ये मेरा प्रोडक्ट मतलब ये मेरे लिए नहीं है, हम किसी को मतलब एज अ गिफ्ट देंगे, तो इसलिए मैंने मंगवाए हैं। अब देखते हैं प्रोडक्ट कैसा है। बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स ये ऐसे आया है, और इसके अंदर है, वाव, पैकेजिंग बहुत अच्छा होता है अमेज़न का। ये देखिए इसके अंदर ऐसे आया है, तो अभी इसको पुश करते हैं। ये है आपका कैंडल लाइट होल्डर है, और ये गोल्डन में आया है, और देखिए यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है, तो पीछे से आप मतलब ऐसे इसको होल्ड कर पाएंगे यहाँ से, तो होल्ड करके आप इसको ऐसे करके आप लगा सकते हैं। तो ऐसे करके दो पीस आया है, दूसरा आई थिंक थोड़ा सा अलग है डिजाइन में, हाँ ये थोड़ा सा अलग है। इसके साथ साथ ये आया है, और आई थिंक दो कैंडल आया, या दो कैंडल दिए इसके साथ साथ, ये इस टाइप का। ये तो जलेगा देखिए, लेकिन इसमें देखिए कुछ भी नहीं है, तो ये आई थिंक ये नहीं जलेगा, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर वो उसको क्या बोलते हैं, धागा ऐसा कुछ, तो वो नहीं है। तो देखने में बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन बड़ा नहीं है, फिर भी प्रोडक्ट अच्छा है। इसका जो फिनिशिंग जो है, इसका क्वालिटी जो है वो अच्छा है, बहुत हल्का है, लाइट वेट है, तो मतलब आप कहीं पे भी इसको ऐसे मतलब हैंग करके रख सकते हैं, और इसके अंदर आप इस आपको मतलब ये कैंडल आपको देना पड़ेगा, तो जलने के बाद ये बहुत अच्छा लगता है, इसका जो नाइट विजन जो होता है बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मेरा मतलब फेवरेट परचेज है, हालांकि ये मेरे लिए नहीं है, मुझे मतलब किसी को एज अ गिफ्ट मुझे देना है। तो मेरा नेक्स्ट जो नेक्स्ट नहीं मेरा जो लास्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये, और ये भी मुझे पता है कि ये क्या है इसके अंदर, तो चलिए खोल के देख लेते हैं इसको। बहुत हेवी है ये, वो खोलते वक्त बहुत एक एक्साइटमेंट होता है कि प्रोडक्ट कैसा आया, रिटर्न तो नहीं करना पड़ेगा। इसके अंदर देखिए और एक पैकेजिंग है,
वाओ, बहुत मतलब क्लासी लग रहा है। और ये बंधा हुआ है, इसको तो हम पूरा खोल के नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि कैमरा में नहीं आएगा। तो ये ऐसा है, लेकिन साइज में थोड़ा सा छोटा है क्या, मतलब जो इमेज में मैंने देखा था वो बहुत मतलब लंबा था, तो उस हिसाब से मैंने ऑर्डर किए थे, लेकिन अभी देख रहे हैं कि मतलब इतना छोटा है। हालांकि प्रोडक्ट अच्छा है और इसका जो फिनिशिंग जो है वो भी अच्छा है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम रूप से एक बार दिखा देते हैं, तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, फिनिशिंग अच्छा है, लेकिन मैं डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि मतलब साइज को लेके अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम रिटर्न करेंगे कि नहीं, क्योंकि ये इतना छोटा है कि मुझे ये वाला साइज मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो सामने से थोड़ा दिखा देते हैं इसको, ये बीच बीच में देख रहे हैं कि मतलब ये जो थ्रेड वर्क मैक्रमे वर्क जो होता है तो वो यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे पूरा खाली है, तो मतलब ये स्ट्राइप जैसा एक डिजाइन टाइप का, लेकिन पता नहीं मैं रखूंगी कि नहीं क्योंकि साइज के लिए मैं बहुत मतलब एकदम मतलब मैं खुश नहीं हूँ। So that's a wrap in this video. I hope you liked the video. If you did so, then please give me a big thumbs up and do not forget to subscribe my channel and press the bell icon to get notification first whenever I will upload my new videos. So till then, bye and take care.